दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इन दो डिफरेंट मिक्सर कार्ड्स के बारे में, जो कि आप बेसिकली कराओके सिंगिंग के लिए यूज़ करना चाहोगे। तो आइए जल्दी से जान लेते हैं कि इन दोनों कार्ड्स में क्या-क्या खूबियाँ हैं, और कौन सा कार्ड, कौन सा मिक्सर हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है, और किस चीज़ के लिए कौन सा बेनिफिशियल होगा। तो सबसे पहले इन दोनों की कॉस्टिंग को समझ लेते हैं। तो दोनों की कॉस्ट लगभग सेम है आज की डेट में। अमेज़न पे दोनों लगभग ये लगभग 2000 का अवेलेबल है, और ये जो है आपको 1600-1700 से लेके 2000 के बीच में मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा सस्ता है, और ये अल्ट्रा पोलिंग का साउंड मिक्सर है, और ये V8 का साउंड कार्ड है, जो कि आपको कई ब्रांड से मिल जाता है। तो जनरली इसको V8 साउंड कार्ड बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरे सामने ये दोनों कार्ड रखे हुए हैं। आइए अब आपको इनके फीचर्स के बारे में बताते हैं कि कौन सा कार्ड आपके लिए यूज़फुल लगता है, डिपेंडिंग ऑन कि उसके अंदर क्या फीचर है। तो देखिए, ये सबसे पहली बात तो आप साइज़ में देखिए दोनों का डिफरेंस। तो ये काफ़ी थोड़ा सा बड़ा साइज़ का है, और ये छोटी साइज़ का है। अगर ये देखें हम तो करीब ये भी मेरे हाथ में आएगा, लेकिन पूरी तरह से मेरे हाथ को कवर कर लेता है। और अगर इसको देखें तो ये मेरे हाथ के अंदर आ जाता है, मतलब इतना छोटा सा है, ठीक है। तो अगर अगर हम सेंटीमीटर वाइज देखें तो करीब ये 7-8 सेंटीमीटर की इसकी विड्थ है, और ये करीब 9-10 सेंटीमीटर का है, और चौड़ाई इसकी थोड़ी ज़्यादा है। तो थोड़ा साइज़ ये बड़ा है, ये छोटा है। तो इतना कॉम्पैक्ट है कि इसको आसानी से आप ट्रैवल में ले अपने साथ लेकर ट्रैवल कर सकते हैं। इस साउंड कार्ड का बेसिकली उपयोग तब करना होता है, तब होता है जब आप किसी भी, आपके पास सपोज कोई भी स्पीकर है और आप चाहते हैं कि उसको कराओके की फंक्शनलिटी उसमें आ जाए, तो यहाँ से आप उसको दे सकते हैं। तो इस साउंड कार्ड से आप वो फीचर अचीव कर सकते हैं। तो इसमें मैंने एक अलग से वीडियो बताया है, जिसमें मैंने बताया है कि कैसे इस फंक्शनैलिटी को अचीव किया जाता है, और उस केस में ये बड़ा ही यूज़फुल है। जैसे आप कहीं बाहर गए हैं, किसी आउटिंग पे हैं, वहाँ पे आपके पास कोई स्पीकर अवेलेबल है, वहाँ पे आप कराओके सिंगिंग करना चाहते हैं, तो ये उपयोगी होगा। कराओके सिंगिंग के लिए आपको ये भी यूज़ हो सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि ये थोड़ा साइज़ में बड़ा बड़ा है। तो कराओके सिंगिंग के फंक्शनैलिटी को ये भी अचीव कर लेगा, लेकिन इसमें क्या है कि इसमें इस साउंड कार्ड में आपको मोबाइल की कनेक्टिविटी आपको इस पोर्ट से देनी होगी, Live 1 या Live 2 से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर इसमें थोड़ा और जूम करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्लियरली, ये Live 1 और Live 2 है। और तो मोबाइल आपका इस Live 1 और Live 2 से कनेक्ट हो जाएगा, और अपने माइक को आप इस पोर्ट से कनेक्ट कर सकते हैं, और जो आपका आउटपुट जाएगा, जो कि आप स्पीकर में दे सकते हैं, वो हेडसेट वाले पोर्ट से दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे बना हुआ है। इसमें अगर देखें तो कराओके सिंगिंग के लिए आप माइक यहाँ पे लगाएंगे, जो कि 6.5 mm का पोर्ट है, और जो मोबाइल है आपका, इसमें मोबाइल आपका ब्लूटूथ से कनेक्ट हो जाता है। और तो कराओके सिंगिंग की जो बात है, वो जो फंक्शनैलिटी है, वो दोनों ही डिवाइसेस से अचीव आप कर सकते हैं। थोड़ा कनेक्टिविटी का डिफरेंस हो सकता है, बट ओवरऑल आपको कराओके की फंक्शनैलिटी मिल जाएगी। इसको आप इन दोनों ही डिवाइसेस को किसी भी स्पीकर से कनेक्ट करके, और इसमें इनमें माइक का कनेक्शन दे करके आप कराओके सिंगिंग का मज़ा ले सकते हैं। इस वाली डिवाइस में ख़ास तौर से फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी ऐप में सिंगिंग कर रहे हैं, जैसे एक स्टार मेकर या स्म्यूल, तो इसमें कनेक्टिविटी करना आसान है। इसमें लाइव स्ट्रीमिंग आप कर सकते हैं, वो चीज़ इसमें भी अचीव की जा सकती है, लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं होती, उसके लिए कुछ वर्क अराउंड करना पड़ता है, और हो सकता है उतनी अच्छी क्वालिटी भी ना आए। लेकिन इसमें स्टार मेकर या स्म्यूल से जो कनेक्टिविटी है, वो बढ़िया से बन जाती है, और आप उसको अच्छे से जो है सिंगिंग कर सकते हैं। तो ये एक इसका बेनिफिट है इस वाले साउंड कार्ड में। क्वालिटी वाइज साउंड की क्वालिटी मुझे अल्ट्रा प्रोलिंग की थोड़ा बेटर लगी थी, जब मैंने इसको स्पीकर से कनेक्ट किया था। वैसे इसमें भी अच्छी है, बस थोड़ा सा ही 19-20 का फ़र्क शायद हो तो हो, लेकिन दोनों की क्वालिटी लगभग सेम है, और ये थोड़ा सा बेटर हो सकता है अल्ट्रा प्रोलिंग। जो कंट्रोल दिए गए हैं, जैसे आपके वोकल के कंट्रोल हैं, तो बास, ट्रेबल और मिड, वो तीन कंट्रोल यहाँ पे दिए गए हैं। एक तो ग्राफिक इक्वलाइजर, इसमें तीन पोर्ट का है, तो बास, ट्रेबल और मिड, इसमें तीनों आप कंट्रोल कर सकते हैं।
इसमें केवल बास और ट्रेबल का कंट्रोल दिया गया है, इसमें मिड का कंट्रोल उतना नहीं है। इसमें अगर आप देखें तो पहला दो नॉब हैं, ये बास और ट्रेबल के लिए है, तो इसमें कंट्रोल हो जाता है। जब आप किसी एप्लीकेशन या जैसे स्टार मेकर या स्कूल में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो ये आपको एक फैसिलिटी देता है उसको मॉनिटर करने की। तो मॉनिटरिंग पोर्ट भी इसमें है। जैसे इसमें आप अगर आउटपुट जो देते हो, स्पीकर में एक पोर्ट जाएगा और एक पोर्ट आप हेडफोन में लगा सकते हो, जिससे आप उसको मॉनिटर भी कर सकते हो, यानी जो जो आउटपुट जा रहा है आपके स्पीकर में वो मॉनिटर भी हो जाएगा। उस तरह की फंक्शनैलिटी इस डिवाइस में नहीं है। ये केवल कराओके सिंगिंग के लिए इस्तेमाल हो सकता है, इसमें मॉनिटरिंग का पोर्ट नहीं है, तो आप मॉनिटर नहीं कर पाओगे। और उसके लिए कुछ वर्क अराउंड हो सकते हैं, लेकिन वो मैंने जैसा बताया कि मैंने इसको एक्चुअली ट्राई किया था, बट उतने अच्छा क्वालिटी मुझे नहीं मिला। दोनों ही डिवाइसेस एक इनबिल्ट बैटरी के साथ आते हैं, यानी कि इसके अंदर एक बैटरी है जो कि रिचार्जेबल होती है। तो इसका मतलब यह है कि आपको इसको जहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं, आउटडोर में यूज़ करना है तो वहाँ यूज़ कर सकते हैं, बशर्ते ये चार्ज हो। और उसके लिए आपको इसको पहले से चार्ज करना पड़ेगा। आप इसको आराम से 3-4 घंटे 5 घंटे के लिए यूज़ कर सकते हैं। लगभग सेम इसमें भी है, इसमें भी आप इसको पहले से चार्ज करेंगे तो, वैसे तो इसमें दिया गया है 10 आवर्स का प्लेबैक टाइम, बट आप मेरे ख्याल से आराम से 4-5 घंटे के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो कि सफिशियंट है किसी भी पार्टी टाइम के मद्देनज़र। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो आप दोनों ही माइक्रो USB पोर्ट से चार्जेबल होते हैं, तो कोई भी अगर USB डिवाइस है जिससे चार्ज किया सकता है, तो आप माइक्रो USB केबल यूज़ करके इनको चार्ज कर सकते हैं। आइए अब बात करते हैं कि इन दोनों डिवाइसेस से हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो इस डिवाइस से आप लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, और उसको करने के लिए क्या है कि आपके पास सपोज़ एक इनपुट वॉइस इनपुट या ट्रैक इनपुट है आपके पास, जो कि आप मोबाइल से ब्लूटूथ या लैपटॉप से ब्लूटूथ से कनेक्ट कर सकते हैं, और इसको आप लाइन इन भी दे सकते हैं, यहाँ से लाइन इन से भी आप इनपुट दे सकते हैं। तो जैसे आप मान लीजिए सिंगिंग करना चाहते हैं और लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हैं उसकी, तो लाइन इन से या ब्लूटूथ से आप इसको इनपुट दे सकते हैं, और माइक से आपका एनीवे वोकल इनपुट जाएगा, और यहाँ लाइन आउट से आप उस डिवाइस में कनेक्ट करेंगे जिससे आप स्ट्रीमिंग कर रहे हैं। तो सपोज़ एग्जांपल लेता हूँ कि अगर आप एक लैपटॉप से वॉइस ट्रैक म्यूज़िक ट्रैक दे रहे हैं सपोज़, तो लैपटॉप से या तो आप इसको ब्लूटूथ पे कनेक्ट कर लीजिए, या फिर लाइन इन से आप इनपुट दे दीजिए, और एक दूसरे मोबाइल से आप लाइव जा रहे हैं, सपोज़ आप फेसबुक लाइव जा रहे हैं, तो उसको आप इस से कनेक्ट करेंगे लाइन आउट से, और वोकल माइक आपका यहाँ पर कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इस डिवाइस से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इससे केवल एक सिस्टम पे आप लाइव जा सकते हैं। मान लीजिए अगर आप फेसबुक पे गए हैं तो खाली फेसबुक पे लाइव जा सकते हैं, क्योंकि इसमें लाइन आउटपुट एक ही है और उसकी आप मॉनिटरिंग नहीं कर सकते। इस डिवाइस में आप एक साथ दो जगह पे लाइव जा सकते हैं, जैसे एक यूट्यूब हो गया, एक फेसबुक हो गया, क्योंकि इसमें दो लाइन आउटपुट Live 1 और Live 2 दिए गए हैं। यहाँ से आप आउटपुट ले सकते हैं, और इसकी एक स्पेशल केबल आती है माइक्रो USB 2 स्टीरियो, तो उससे आप लाइव जा सकते हैं एक साथ दो एप्लीकेशंस पे। और दूसरी चीज़ कि इसमें आप दो माइक भी लगा सकते हैं, एक तो जो आपका डायनेमिक माइक लगाने का पोर्ट दिया गया है, और दूसरा अगर आपके पास कंडेंसर माइक है या कैपेसिटर माइक है तो वो आप इस पोर्ट से लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप दो माइक भी लगा सकते हैं, इसमें केवल आप एक माइक लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें माइक का केवल डायनेमिक माइक के लिए पोर्ट दिया गया है, और इसमें आप डायनेमिक के साथ साथ एक कैपेसिटर माइक भी लगा सकते हैं। लेकिन कैपेसिटर माइक जो है वो इसमें कोई फैंटम पावर नहीं है, तो जो बिना फैंटम पावर के चल पाए वही लग सकता है। और दूसरी चीज़ कि जब आप इससे लाइव जाते हैं, दूसरी चीज़ जो बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि जब आप इससे लाइव जाते हैं तो इसमें लाइव आउटपुट के लिए पोर्ट अलग है, और अगर आप उसको मॉनिटर करना चाहते हैं तो ईयरफोन अलग दिया गया है, तो आप एक्चुअली अपने आप को लाइव सुन भी पाएंगे कि आप कैसा साउंड कर रहे हैं लाइव स्ट्रीम में। तो जो भी आप
बोलेंगे या गाएंगे वो आपको साथ के साथ मॉनिटर भी होता रहेगा, यानी सुनाई भी देता पड़ेगा, लेकिन वो फैसिलिटी इसमें आपको नहीं मिलेगी। इसमें आप खाली लाइव तो चले जाएंगे लेकिन आप अपने आप को नहीं सुन सकते, आप मॉनिटर नहीं कर सकते, तो वो एक एडिशनल फैसिलिटी जो ये दे रहा है इस बॉक्स में एक्स्ट्रा है। तो दोस्तों ये था एक छोटा सा कंपैरिजन वीडियो इन दो डिवाइसेस का, और इन दोनों डिवाइसेस की फंक्शनैलिटी और कैसे चलाते हैं, कैसे कनेक्ट करते हैं, कैसे प्ले करते हैं, वो मैं अलग वीडियो में बता चुका हूँ, अलग अलग वीडियो में। तो उम्मीद है आपको ये कंपैरिजन का वीडियो आपकी हेल्प करेगा, मदद करेगा आपको चूज़ करने में कि कौन सी डिवाइस आपको लेनी चाहिए। और पर्सनली मुझे ये अल्ट्रा प्रोलिंक की डिवाइस क्वालिटी वाइज, वॉइस क्वालिटी जो इससे जनरेट हो रही है वो ज़्यादा बेटर लगी इसमें। बट फीचर अगर देखें तो जो पहली डिवाइस है एक्सट्रीम वाली वो बेटर ज़्यादा है, क्योंकि उसमें फीचर्स बहुत सारे हैं। इसमें जो मैंने अभी फीचर बताया इसके अलावा भी इसमें कुछ फीचर हैं जिसमें आप स्पेशल साउंड वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। ये एडिशनल साउंड जैसे कि क्लैप वॉइस या पार्टी के कुछ वॉइसेस या आपके वॉइस का टेक्सचर वगैरह चेंज करना, वो भी इस एक्सट्रीम के साउंड कार्ड में पॉसिबल है। जो आप इसको यूज़ करेंगे तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और उम्मीद है कि ये कंपैरिजन वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसको लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।